वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स और करंट असेट्स ऑफ द फर्म। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपका कैपिटल इन्वेस्ट है शॉर्ट टर्म असेट्स में और करंट असेट्स में। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। जैसे ट्रेडिंग कंपनी के लिए कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन स्मॉल स्केल पे है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब होता है कि जब एक तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई आती है तो वहाँ पे आपको क्या, पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और जिस टाइम पे डिप्रेशन या रिग्रेशन आता है, जब हम लोगों को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सीजनल फैक्टर, पीक सीजन में हमारे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो बढ़ जाता है और लीन सीजन में कम हो जाता है। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल में लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है अगर, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने उधारी पे सामान बेच दिया तो पैसा जब आपके पास वापस आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको जब तक पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेके चलेंगे। और शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है तो कम चाहिए। क्रेडिट अलाउड, अगर आपने उधारी पे ज़्यादा सामान बेच रखा है तो पैसा आपके पास बाद में आएगा, पर आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रखना पड़ेगा। क्रेडिट अलाउड, अगर आप परचेज करते हैं क्रेडिट पे और आपको पेमेंट बाद में पे करना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, ताकि आप स्टॉक इन्वेंट्री बना के रखें, ताकि आप कंज्यूमर तक सबसे पहले अपना गुड्स को प्रोवाइड करा सकें। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अगर एक ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन एंटरप्राइज इज हायर, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो बी हायर टू द एंटरप्राइज।